Hello everyone, I'm Akhilesh Kumar Srivastava, and in this lecture we are going to start with the pumping lemma for the context-free languages. In the previous lectures, we already have seen about the pumping lemma for the regular languages, which was used to prove that a given language is not regular. Similarly, pumping lemma for the context-free language will be used to prove that the given language is not context-free. So, ये जो हमारा प्रूफ होगा वो प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन होगा। अगर हमारी कोई लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है और हम उसकी कोई स्ट्रिंग एक पिक करते हैं, लेट से हमने एस उसकी कोई स्ट्रिंग पिक की और उस स्ट्रिंग को हम डिवाइड कर देते हैं पांच पार्ट्स में। सो दोस फाइव पार्ट्स विल बी यू वी एक्स वाई एंड जेड। इसके बाद हम पिक करते हैं इसका दूसरा पार्ट और हम कहते हैं कि यू वी रेस्ट टू द पावर आई एक्स वाई रेस्ट टू द पावर आई जेड। इसका मीनिंग है कि ये जो पांच पार्ट सिलेक्टेड है उसमें से हम थोड़े से चेंजेस करेंगे वी और एक्स में, जो वी है और वी और वाई में चेंजेस करेंगे। वी और वाई वाले पार्ट को हम पंप करेंगे आई टाइम्स और इसके बाद हम जो स्ट्रिंग ऑब्टेन करेंगे, लेट से एस डैश है वो स्ट्रिंग। तो अगर ये एस डैश पार्ट ऑफ द लैंग्वेज है तो तब तो ये हो सकता है कि गिवन लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री हो, लेकिन अगर ये पार्ट ऑफ द लैंग्वेज नहीं है तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से ये जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। सो व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड हियर, इसको समराइज अगर हम करें तो वी हैव लैंग्वेज एल, वी सेलेक्ट स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज एस एंड वी डिवाइड दिस इंटू फाइव पार्ट, सो यू वी एक्स वाई एंड जेड, एंड देन फॉर सम आई ग्रेटर देन 0 वी कंप्यूट यू वी रेस्ट टू द पावर आई एक्स वाई रेस्ट टू द पावर आई जेड। और कंडीशंस ये हैं कि जो वी और वाई की जो लेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। द सेकेंड कंडीशन इज दैट द क्यूमुलेटिव लेंथ ऑफ वी एक्स वाई शुड बी लेस देन द पंपिंग लेंथ टी। वी विल हैव टू अर्लियर डिसाइड दैट व्हाट इज द पंपिंग लेंथ, एंड आफ्टर दिस इफ यू कंप्यूट एक्स यू वी रेस्ट टू द पावर आई एक्स वाई रेस्ट टू द पावर आई जेड, देन दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एल। सो द लैंग्वेज इफ द लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री द कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड, if the language is not context free then either of these three conditions will fail। so हम एक एग्जाम्पल अब लेंगे और उसके बाद समझेंगे कि कैसे हम प्रूव करते हैं कि गिवन लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो। सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेंगे, स्टेप वन इज कि हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री है। सो अज्यूम दैट द लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री, so this proof is going to be by contradiction, so we will assume that the language is context free and there has to be a pumping length p। so let's say we will assume that the pumping length is p। now the third is that all strings larger than the pumping length p, all strings larger than length p can be pumped। it means जो लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो लेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द पंपिंग लेंथ p। इसके बाद हम एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड करेंगे जो कि मैंने ये दिस थर्ड स्टेप इज दैट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ पी कैन बी पंप, बट इसके बाद हम एक स्ट्रिंग सेलेक्ट भी कर लेंगे। सो सेलेक्ट अ स्ट्रिंग एस जिसकी लेंथ या तो पी के बराबर हो या पी के इक्वल हो। सो प्रूफ करने के लिए हम ऐसा ऐसी स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम एस को फाइव पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड एस इन फाइव पार्ट्स, कौन कौन से वो फाइव पार्ट्स होंगे, so those five parts will be u v x y and z, so this is the fifth step। फिर हमें ये प्रूफ करना है सिक्स स्टेप में कि अगर हम u v रेस्ट टू द पावर आई का कैलकुलेट करें y i रेस्ट टू द पावर आई कैलकुलेट करें, इससे जो स्ट्रिंग मिलेगी
वो बिलोंग नहीं करती है लैंग्वेज एल से। हाँ अगर ऐसा है तो हम फिर देखेंगे कि ये जो तीन कंडीशन है साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकती। ऑल थ्री कंडीशंस, ये जो थ्री कंडीशंस हमने दिया है, डज नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली। एंड इफ दिस इज सो, देन वी कैन से दैट द लैंग्वेज एल इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, एंड दिस इज बाई कंट्राडिक्शन। सो प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन। सो वाई दिस इज कंट्राडिक्शन? बिकॉज वी आर सेइंग दैट इफ द लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री देन ऑल दीज थ्री कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। सो सिंस वी हैव अज्यूम दैट द लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री एंड वी हैव कंप्यूटेड यू वी रेज टू द पावर आई एक्स वाई रेज टू द पावर आई जेड, सर ये जो स्ट्रिंग है दैट शुड बिलोंग टू एल, बट दिस कंडीशन विल फेल मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी विल प्रूव दिस। वी विल टेक एग्जांपल्स टू प्रूव दिस। हेंस वी विल से दैट द लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री एंड आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो दिस इज द प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सो लेट्स टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस विल बी। लेट्स से वी आर अज्यूमिंग दैट वी हैव अ लैंग्वेज एल इज इक्वल्स टू a power n, b power n, c power n, and where n is greater than or equal to 0. So we have to prove that this language is not context-free. So हम अपनी तरफ से एक pumping length p मान लेते हैं और जो string हम ले रहे हैं वो इसी pumping length के हिसाब से ले लेते हैं। So let's say the string that we are taking is a raised to the power p, b raised to the power p, and c raised to the power p. सो पंपिंग लेंथ हमने पी एज्यूम कर लिया तो स्ट्रिंग हमारी ये होगी। लेट्स से पी इसकी हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं पी इक्वल्स टू 4, तो जो स्ट्रिंग हमने सेलेक्ट की है दैट विल बी ए पावर 4, बी पावर 4 एंड सी पावर 4। सो ए पावर 4, बी पावर 4, सी पावर 4 का मतलब है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें 4 एज हैं, उसके बाद 4 बीज आएंगे एंड देन उसके बाद 4 सीज आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि एक केस मान लेते हैं जिसमें जो v और y है वो केवल एक टाइप का सिंबल रखता है। जैसे कि अगर हमने v और y लिया तो या तो a होंगे या तो b होंगे या तो c होंगे। तो आप अपने हिसाब से मान लीजिए कि उसमें कौन सा पार्ट आप लेना चाहते हैं। तो लेट्स से कि हम इसमें v और y को a के पार्ट में से रखते हैं। सो मान लेते हैं कि v को हम इसके पार्ट में रखेंगे और y को लेट्स से हम सी के पार्ट में रख लेंगे। तो अभी डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा या कितने लेंथ का हमें पिक करना है। इस कंडीशन को भी हमें ध्यान देना है कि जो v और y की क्यूमुलेटिव लेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 और v x y की जो लेंथ है हम कोशिश करेंगे दैट इज लेस देन और इक्वल टू v। तो इसी के हिसाब से हम सेलेक्शन करते हैं। जरूरी नहीं कि हम वाई को सी का ही पार्ट में रखें, हम वाई को इसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे जिससे कि वी एक्स वाई की जो क्यूमुलेटिव लेंथ है वो हमारी पंपिंग लेंथ जो 4 है उससे उससे कम हो या उसके इक्वल हो। तो लेट्स से हमने ये पार्ट मान लिया कि ये एक्स है, मतलब कि तीन एज जो है, सॉरी नॉट एक्स बट वी। फिर हमने एक ए को वी मान लिया। फिर इसके बाद लेट्स से हमने इसको मान लिया कि ये एक्स है और बी को मान लिया कि वो वाई है। इस तरह से अगर आप देखें कि जो क्यूमुलेटिव लेंथ है वी एक्स वाई की वो 4 है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है हम मान लेते हैं कि वो हमारा जेड का पार्ट है। तो पांच पार्ट हमने इसमें सेलेक्ट किए। अब लेट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं यू वी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड। सो आई की हमने वैल्यू 2 सेलेक्ट कर ली है इसमें। इससे जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी u is 3 a's, v का स्क्वायर कर रहे हैं इसका मतलब कि 2 a आ जाएंगे यहाँ पे, x ऐसे ही है इसका मतलब b will remain same, जो y है वो 2 b's है इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे so 2 b and again 2 b and then z का पार्ट ऐसे ही रहेगा। ये जो स्ट्रिंग आपने ऑप्टेन किया है अगर आप ध्यान से देखें so this is a raised to the power 5 then the counting of b is 6, so b raised to the power 6 and c raised to the power 4. तो जो हमारी स्ट्रिंग जो हमारा लैंग्वेज है उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि a, b और c की जो संख्या है वो सेम हो,
लेकिन यहाँ पे ए बीज और सी की संख्या सेम नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग हमने ऑप्टेन की है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. सो व्हाट वी हैव प्रूव दैट द क्यूमुलेटिव लेंथ ऑफ वी एक्स वी वाई इज ग्रेटर देन 0. एंड देन सेकेंड कंडीशन, वी एक्स वाई की लेंथ जो है वो लेस देन और इक्वल टू पी है, और क्यूमुलेटिव लेंथ सॉरी जो हमने स्ट्रिंग ऑप्टेन किया है यू वी रेस्ट टू द पावर आई एक्स वाई रेस्ट टू द पावर आई जेड से, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. तो कंडीशन 1 और 2 सेटिस्फाइड है, लेकिन कंडीशन 3 सेटिस्फाइड नहीं है. सो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये लैंग्वेज कंटेक्स्ट भी नहीं दिख रही है, लेकिन हमने अभी केवल एक केस लिया है. वी विल टेक मोर केसेस. सो लेट्स से वी आर टेकिंग अनदर केस. जो केस वन है उसमें हमने माना था कि जो यू और सॉरी वी और वाई है वो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स माने सेम टाइप के सिंबल्स रखता है. तो जैसे वी में केवल ए है और जो वाई है उसमें केवल बी है. अब हम ये मानते हैं कि जो वी और वाई है उसमें से कोई एक ऐसा है जो कि दो टाइप के सिंबल्स रखता है. फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रिंग हमने अज्यूम की थी वो 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी एंड 4 टाइम्स सी है. इसमें से हम ये मान लेते हैं कि 3 एज जो हैं दो आर द पार्ट ऑफ लेट्स से यू एंड वी इज लेट्स से ए बी. एंड देन जो एक्स है वो सिंगल बी है, वाई सिंगल बी है, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा जेड है. तो इस तरह से हमने जो 3 कंडीशन है उसमें सबसे पहले है कि वी और वाई की क्यूमुलेटिव लेंथ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बिल्कुल है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वी की लेंथ है वो 2 है और वाई की जो लेंथ है वो 1 है, तो इसकी लेंथ 3 होगी, दैट इज ग्रेटर देन 0. देन वी एक्स वाई की जो लेंथ है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द पंपिंग लेंथ पी. पंपिंग लेंथ हमने 4 माना है और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 4 है. तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लेट्स से यू वी रेस्ट टू द पावर आई एक्स वाई रेस्ट टू द पावर आई जेड. तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे वी है वो दो टाइप के सिंबल्स रखता है और जो वाई है वो सिंगल टाइप का सिंबल रखता है. तो हमने ये अज्यूम किया था केस टू में कि वी या वाई में से कोई एक दो टाइप के सिंबल्स रखता है. तो अगर हमने आई की वैल्यू 3 सेलेक्ट की है सो लेट्स से वी आर कंप्यूटिंग यू वी क्यू एक्स वाई क्यू जेड. सो द स्ट्रिंग बिकम्स यू इज ट्रिपल ए वी का क्यूब कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ए बी अगेन ए बी एंड 1 मोर टाइम ए बी. एंड देन बी इज एक्स वाई बी है जिसको हम क्यूब करेंगे तो 3 टाइम्स बी हो जाएगा. एंड देन जेड रिमेन्स द सेम मीन्स इट इज बी सी 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 सी. तो द नेचर ऑफ द स्ट्रिंग द नेचर ऑफ द लैंग्वेज वॉज ए पावर एन बी पावर एन एंड सी पावर एन. इसका मतलब है कि पहले ए जाएंगे फिर बी जाएंगे फिर सी जाएंगे और ए बी और सी की संख्या सेम होगी. अगर आप इस स्ट्रिंग को ऑब्जर्व करें सो इस पर पहले ए आए फिर बी आया फिर अगेन ए आया फिर बी आया फिर अगेन ए आया. तो इसका मतलब क्या है कि ये तो इसी कंडीशन को वायलेट कर रहा है कि ए के बाद बी नहीं आ रहे हैं बी के बाद सी नहीं आ रहे हैं, प्रीवियस सिंबल्स भी रिपीट हो जा रहे हैं. तो हम यही कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग हमने ऑब्टेन की है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एल. सो वी आर सेइंग दैट यू वी रेस्ट टू द पावर आई एक्स वाई रेस्ट टू द पावर आई जेड इज नॉट द पार्ट ऑफ द गिवन लैंग्वेज एल. एंड हेंस वी आर प्रूविंग दिस बाई द कंट्रोडिक्शन दैट द लैंग्वेज गिवन मीन्स द लैंग्वेज ए पावर एन बी पावर एन एंड सी पावर एन इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री. तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे इसको समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.